भारत ने हमारी बनाई हुई पॉलिसियों को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की, नवाज शरीफ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मुशावरत की है और मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हमारी बनाई पॉलिसियों से पाकिस्तान की कारोबारी बरदरी ने भरपूर अमल किया, हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। इन्होंने कहा है कि 2013 से 2017 के दौरान पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। हमने 4 साल डॉलर को 104 पर बांध कर रखा। अगर हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। इलेक्शन में पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा, चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन की तारीख मिली है, इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं है, जबकि चेयरमैन पीटीआई को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे। दो लाख से जायद गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी हो चुकी है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज आरा बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर को डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और अब तक 2,28,574 गैर कानूनी अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के महफूज इनखला के लिए अमली इकदाम किए हैं। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा इनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ इजला में तमाम सहूलियात से रास्ता ट्रांजिट कैंपस कायम किए गए हैं। बजरिया, तुरखम और चमन बॉर्डर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पिशावर में ऑपरेशन, इंतहाई अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबे तालुकात ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिशावर के इलाके बुडबेर में इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का मौसर अंदाज में पता लगाया। ISPR का बताना है कि बडबीर ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक होने वालों में हाई वैल्यू दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह उर्फ शिनाई भी शामिल है। शोबा तालुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर सलमान, दहशतगर्द इमरान भी हलाक होने में शरीक हैं।